दोस्तों मेरे पास कमेंट आया था कि अभी तक हमारे आधार कार्ड का स्टेटस रिक्वेस्ट फॉर प्रिंटिंग दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मेरे आधार कार्ड को मिले हुए 2 महीना हो चुका है, नेट 2 महीना हो चुका है मेरे को आधार कार्ड मिले हुए। इसी चैनल पे आप जाके देख सकते हैं कि मैंने अनबॉक्सिंग आपसे 2 महीने पहले ही किया था। तो चलिए दोस्तों आज चेक करते हैं 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद 2 महीने हो गए मिले हुए मेरे आधार कार्ड को। अब स्टेटस चेक करेंगे, अब स्टेटस क्या शो करता है वहाँ पे। अगर स्टेटस जो भी शो करेगा आपको जरूर पता चल जाएगा कि यार कितना आधार कार्ड वाले हमारे साथ सही कर रहे हैं या कितना गलत कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको लाइव चेक करके सब कुछ दिखाता हूँ कि क्या स्टेटस है इस समय। तो दोस्तों इसके लिए हम चलेंगे गूगल में और यहाँ सर्च करेंगे ई आधार। ई आधार हम जैसे ही सर्च करेंगे सबसे फर्स्ट में आता है UIDAI, यानी कि आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर कर देंगे हम क्लिक। क्लिक करने के बाद हम हल्का सा स्क्रॉल करेंगे और नीचे देखेंगे आप लिखा हुआ चेक आधार PVC कार्ड स्टेटस। चेक आधार PVC कार्ड स्टेटस, इस पर कर देंगे क्लिक। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है और इंटर कैप्चर कोड मांगा जा रहा है। दोस्तों बता देना चाहता हूँ, इससे पहले आपको यहाँ पर SRN नंबर मांगा जा रहा है जो कि 28 डिजिट का था स्टेटस चेक करने के लिए, लेकिन अब नहीं मांगा जा रहा। अब यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और कैप्चर कोड को करेंगे फिल। तो चलिए मैं अपना यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपने आधार कार्ड का नंबर भी डाल दिया और कैप्चर को फिल कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो बॉक्स है उस बॉक्स पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आप कोई नया नंबर भी डालकर OTP मंगवा कर अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं। मेरे पास मेरा OTP आ चुका है क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था, इसलिए मैंने बॉक्स पर क्लिक नहीं किया। तो अब इस सब मैंने OTP इधर डाल लेना है। OTP डालने के बाद इनकी टर्म और कंडीशन जो बॉक्स दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। टर्म और कंडीशन को उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आगे देखते हैं कि हमारा स्टेटस इस समय क्या दिखाई देता है। तो मैंने जैसे सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ पर मैंने बॉक्स पर क्लिक नहीं किया था, तो यहाँ पर मैंने दोबारा से क्लिक कर दिया है और अब स्टेटस पर देखते हैं हमारे पास क्या स्टेटस आता है। अब दोस्तों जो स्टेटस आया है मतलब अनबिलीव वाली बात है ये। देखिए स्टेटस में लिख रखा है इन प्रोग्रेस रिक्वेस्ट डेट, मतलब जो मैंने अप्लाई किया था 4/10/2020, यानी कि अब से 2 महीने से पहले भी मैंने इसको मतलब अप्लाई किया था। हालांकि मेरे को 18-20 दिन वापस मिल गया था, लेकिन आज भी दिखा दे रहा है योर रिक्वेस्ट फॉर PVC कार्ड इन अंडर प्रोसेस, प्लीज रिविजिट 24 आवर्स, चेक द PVC कार्ड प्रिंट एंड डिस्पैच स्टेटस। मतलब मैं दोबारा से 24 घंटे बाद यहाँ पर अगर आता हूँ तब मुझे ये दिखाया जाएगा कि आपका कार्ड प्रिंट और डिस्पैच के क्या स्टेटस है। भाई रे भाई क्या भाई, आधार कार्ड वालों ने क्या यार ज़िंदगी झंडो कर रखी यार हमारी। तो यार इनको तो हमारे पास एक ट्रैकिंग नंबर मैसेज कर देना चाहिए था जहाँ से हम ट्रैक कर सकते थे कि हमारा आधार कार्ड कब बना, कहाँ बना, कब कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं पहुँचा है। लेकिन क्या भाई, इन्हें तो हमारी ज़िंदगी और वास्तव में झंड कर रखी यार, मजाक बना दिया यार। 50 रुपये भी ले लेते हैं यार, यहाँ 15 दिन 10 दिन बाद लोग परेशान होते हैं, यहाँ तो मैं 2 महीने के बाद चेक करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ यार। 50 रुपीज ओनली, क्या बात करता है, सिर्फ 50 रुपया, ये तो बहुत कम है। इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने